हमारे भैया बहन बड़े उत्सुक हैं कि हमारे सामने ये कौन विराजित हैं। तो उनका परिचय हमारे भाई साहब सम्माननीय श्री मुकेश जी राजपूत जो हमारे बीच आज पधारे हैं। हमारी विद्या भारती के प्रांतीय कोष अध्यक्ष पद पर आप कार्यरत हैं, सेवा एक तरह से सेवा दे रहे हैं प्रांत को, लेकिन इनके विभिन्न क्षेत्रों में जो सेवाएं हैं देखकर हम भी थोड़े अचंभे में आ गए कि अभी आयु इतनी है नहीं है लेकिन इतना कार्य इतना विशाल कैसे हो गया। तो भाई साहब सीए पद पर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट जिसको आप लोग जानते हैं, भाई साहब लिखने का भी शौक रखते हैं जो उन्होंने खुद के ही जीवन पर आधारित एक बुक सीए पास द रियल स्टोरी जिसको आपने लिखा, जो एक तरह से बच्चों के लिए मोटिवेट करने वाली एक बहुत ही उत्तम कृति भाई साहब के ही हाथों से सृजित हुई है। आपके लिए आपके कृतित्व के लिए आपको समय समय पर जिन कारकों से नवाजा गया, जैसे भोपाल रत्न अवार्ड 2016 में भाई साहब को प्राप्त हुआ, दूसरा राजपूत रत्न अवार्ड 2018 में आपको सम्मानित किया गया सीतारमण शर्मा जी द्वारा जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, स्टार प्लस जिसमें सबसे स्मार्ट कौन 2018 में आयोजित हुआ था जिसमें भाई साहब विनर रहे, टीचर एनिमेशन अवार्ड 2019, आप मुख्य विषय वक्ता 2022 आत्मनिर्भर बजट के रूप में आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय छात्रों के प्रेरक और करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में विशेष योग्यता के लिए आपको सम्मानित किया गया, बर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 आपकी किताब लिखने की सराहना पर भी आपको पुरस्कृत किया गया है, आप शिक्षा से मिली पहचान 2023 माननीय जो हमारे भोपाल के विधायक हैं सारंग जी, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में सारंग जी द्वारा आपको सम्मानित किया गया, स्टूडेंट सेमिनार भारत के कई राज्यों में आपका मोटिवेशन सेमिनार आप आयोजित करते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई साहब ये लग रही है कि जो भी आपको आपको आमंत्रित करते हैं और जो भी आपको दिया जाता है आप पूरा समाज के लिए समर्पित करते हैं, बच्चों के लिए वो आप चैरिटी शो जो भी है जहाँ भी उस राशि को आप लगाते, एक बार जोरदार भाई साहब का अभिनंदन। नेशनल करियर सर्विस जिसको NCS में करियर काउंसलिंग के पद पर भारत के संपूर्ण स्टूडेंट को आप करियर और जॉब से संबंधित गाइडेंस देते आ रहे हैं, युवा रोजगार सेमिनार युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी, स्टार्टअप बिजनेस प्लानिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, बैंक से लोन के लिए आवेदन कैसे करें, आगत करता है, बंधन करता है, अभिनंदन करता है, धन्यवाद। इसलिए आज मैं जो आपके सामने शेयर करूंगा उसको आपको बहुत एंजॉय करेंगे और जीवन में कुछ सीख के हम आगे बढ़ेंगे। कि संगत और एटमॉस्फियर दोनों को चेंज करना पड़ेगा। संगत मतलब जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने नॉलेज की शेयरिंग करते हैं, हमारे दोस्त, वो संगत होगी, और माहौल जो हम बदलना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी ठेले पर चाय पीने जाएंगे ना तो ठेले वाला आपको चाय 10 रुपए पिलाएगा, लेकिन वही चाय आप किसी रेस्टोरेंट जाके पिएंगे ना तो आपको GST के साथ 40 रुपए मिलेगा और किसी 4 स्टार में 90 रुपए की मिलेगी। मैं अक्सर फ्लाइट से यहाँ वहाँ जाता हूँ तो मैं एयरपोर्ट लॉन में चाय पीता हूँ तो मुझे 399 रुपए की चाय मिलेगी, देखिए 399 रुपए। आपने एक बात नोटिस की, क्या चाय में कोई फर्क था? चाय में कोई फर्क नहीं था,
लेकिन चाय का जैसे जैसे अपनी जगह बदली उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए दोस्तों। इंसान जी के बेटे को क्यों? क्योंकि हमें जब बड़ा इंसान बनना हो ना तो बड़े बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रातों रात कोई इंसान अमीर नहीं बन जाता है, अभ्यास करना पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ता, अच्छे लोग से उठना बैठना पड़ता है। एक बात मेरी माँ ने मुझसे कही थी जिसका मैं सख्ती से पालन हमेशा करता हूँ, आज भी करता हूँ। और दूसरा, मेरी माँ ने कहा था कि रही दे रहा है ये सोच कर खड़े मत रहो, जहां तक रास्ता दिखता है वहां तक तो चलो, जब हम पहुंच जाओगे तो आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। इसका मतलब ये किसी अच्छे समय की प्रतीक्षा ना करें कि अच्छा समय आएगा।